नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई के कोर्स में, जहां हम बात करते हैं पावर बीआई। अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ पावर बीआई के न्यू इंटरफेस, जो कि हमारे ऐप के जो पुराने कोर्स है उसमें अपडेट की। अभी तक आपने मेरा ऐप में कोर्स नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। इसके लिए पहले आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। XLMI ट्रेनिंग में जब ऐप पे जाते हैं तो वहां मेरा ये ऐप प्ले स्टोर पे XLMI ट्रेनिंग सर्च कीजिए, या फिर आप app.iptindia.com को लॉग इन कर सकते हैं सिस्टम पे। मेरा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो मोबाइल ऐप पे भी चलता है और सिस्टम पे भी चलता है। मोबाइल ऐप पे आपको XLMI ट्रेनिंग लेना पड़ता है और सिस्टम ऐप पे आपको app.iptindia लेना पड़ता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस कोर्स में। इस कोर्स में ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन ये है 2020 से कंटिन्यू इसमें नए नए वीडियोज अपलोड होते जा रहे हैं। जी हाँ, नए नए वीडियोज अपलोड होते जा रहे हैं। अभी तक इसमें 98 वीडियोज आप देख सकते हैं कि इंक्लूडेड है। एक डेटा फाइल है प्रैक्टिस के लिए, 5 साल की ड्यूरेशन होती है। अब इसी के अंदर एक नया जो फोल्डर ऐड हो रहा है अपडेट का, क्योंकि हर जब भी हम 2 या 3 साल पे नई चीजों को अपडेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को लेटेस्ट चीज से भी अवेयरनेस बनी रहे। तो इस कोर्स को आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हैं। ये अभी आपको पड़ रहा है जस्ट 1000 का। इसमें कूपन भी है, आप अवेलेबल कूपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक कूपन कोड है DS50, जिसको अप्लाई करने के बाद ये आपका 50% का कोर्स जो है जो हो जाएगा ऑफ, कोर्स जो है ऑफ हो जाएगा। मतलब कि ये आपका जस्ट 500 का पड़ेगा। ये 2-3 दिन में एक कूपन डिसेबल हो जाएगा जब इसका रीच पूरा हो जाएगा, तो बाय कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Recording in progress. तो अगर आप कंप्लीट वीडियो सीरीज चाहते हैं पूरा A to Z पावर बीआई में, तो आप मेरे पावर बीआई का जो कोर्स है वो ले सकते हैं ऐप के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम साइन अप करेंगे। तो यहाँ आपको साइन अप या ट्राई फ्री, वाय नो मत किसी को 600 रुपया लगता है, ट्राई फ्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ट्राई फ्री पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, साइन अप वाले सेक्शन पे, इस पे जहां यहां अपनी ईमेल आईडी डालिए। ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ ईमेल आईडी डालिएगा वो ईमेल आईडी किसी कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे A123 और इस तरह के डोमेन पे वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देव कुमार सिंह .iptindia@gmail.com करके साइन अप करता हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कि गेट इन गेट इट वन पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देव कुमार सिंह .iptindia@gmail.com। नेक्स्ट, पासवर्ड, यहाँ हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नेम देव, हमारे में बेटे का नाम है उसी के नाम से बनवा। नेक्स्ट, उसका डेट ऑफ बर्थ, हालांकि उसकी एज नहीं है तो मुझे लग रहा है कि उसकी एज अगर डालूंगा तो माइनर हो जाएगा तो नहीं ले पाएगा, तो उसका ऐसे ही मैं एक डाल देता हूँ। तो मेरे के आईपीटी ट्रेनिंग सेंटर का जो स्टार्टिंग डेट है वो मैंने डाल दी। यहाँ पे आता है वेरीफाई और ईमेल आईडी, एंटर द कोड। अब इसके ईमेल पे एक कोड आया होगा, उस कोड को डालना होगा वेरीफाई का। तो मैंने डाला 5355 एंड नेक्स्ट। कुछ है ऑब्जेक्ट उधर,
या वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा वेरिफिकेशन टफ है इसका। ये आप तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर आईडी से आप यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके लिए आपको कंपनी की आईडी ही चाहिए। बिना कंपनी की आईडी का आप नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे पावर बीआई साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि देव कुमार सिंह @gmail.com। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जीमेल से ट्राई करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर जीमेल से हो रहा है, तो वही मैं आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ कि जीमेल से आप पावर बीआई को लॉग इन नहीं कर सकते हैं। पावर बीआई को साइन अप करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक कंपनी की ईमेल आईडी, तभी साइन अप कर सकते हैं, क्योंकि पावर बीआई इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। सिंपल सा, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। तो पावर बीआई अगर मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ तो किस तरह का इंटरफेस होगा वो देख लीजिए। इसको आप बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है। और यहाँ हम पावर बीआई की जो मेरी जो कंपनी वाली आईडी है इसी को लेता हूँ मैं पासवर्ड साइन इन। अब यहाँ पे एंटर द कोड आता है, ऐप ये डबल सिक्योरिटी है, मुझे ऐप पे जाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप होता है ये माइक्रोसॉफ्ट, एक जैसे कि गूगल का होता था ना सिक्योरिटी वाला ऐप, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ऑथेंटिकेट ऐप है जो कि डबल सिक्योरिटी के लिए उसका यूज करते हैं। तो मोबाइल पे डिस्प्ले होगा मेरे पास कोड, वो कोड यहाँ डालना होगा। एक कोड वन टाइम होता है जो कि चलो बायो फैब्रिक नहीं करना। ये रहा पावर बीआई का ऐप। तो आप देखिए ये आपका पावर बीआई का डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, ये पावर बीआई का आपका वेब वर्जन है। तो पावर बीआई की आपको आईडी साइन अप करना पड़ेगा। ट्राई फ्री पे क्लिक कीजिए, अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी पे आपको ये आएगा, आप ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा जहां पे आपके बने बनाए रिपोर्ट्स को आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। अब इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम आगे क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।